फिर ये सब जू में जाने के लिए है, सफारी का टिकट मिला नहीं है। तो फैमिली हम लोग पहुँच गए जंगल सफारी, देख सकते हैं कितना भीड़ है। शीतकालीन का छुट्टी चल रही है और आज 27 दिसंबर 2022 साल का आखिरी दिन आ रही है। इतना भीड़ लगा हुआ है टिकट काउंटर में, पूरा छुट्टी का दिन चल रहा है तो फुल। गाइस ये तो देखो इतना भीड़ है, कटाखा जो भरे हुए हैं। हम लोग पहुंच गए जंगल सफारी और देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ सफारी है और दूसरा साइड जू है। दोस्त जंगल सफारी जा रहे हैं, देख के बोलो जंगल सफारी जा रहे हैं हम लोग, जंगल सफारी जा रहे हैं। तो दोस्तों चलो हम लोग निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए। अभी हम लोग हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, चलिए आगे दिखाते हैं आपको जंगल सफारी का नजारा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों चलो आज मैं आपको ले चलता हूँ जंगल सफारी के सैर पे। दोस्तों जंगल सफारी सेक्टर 39 नया रायपुर में स्थित है। नया रायपुर रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदनवन जंगल सफारी का पूरा क्षेत्रफल 800 एकड़ में फैला हुआ है। सुंदर इलाकों के साथ हरे भरे रंग है। कई स्वदेशी पौधों की प्रजातियां भी वनस्पति को जोड़ती हैं, जो जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाते हैं। इसमें लगभग 130 एकड़ का खंडवा जलाशय नामक जल निकाय है, जो कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। चार सफारी अर्थात शाकाहारी भालू बाघ और शेर की योजना बनाई गई है। आने वाले चिड़ियाघर में 32 और प्रजातियां प्रदर्शित की जाएगी। सफारी दोस्तों सफारी क्षेत्र में अब तक 4 सफारी बनाए गए हैं। शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी क्षेत्र लगभग 30 हेक्टेयर, भालू सफारी क्षेत्र लगभग 20 हेक्टेयर, टाइगर सफारी क्षेत्र लगभग 20 हेक्टेयर, शेर सफारी क्षेत्र लगभग 20 हेक्टेयर। सफारी का पूरा क्षेत्र 5 मीटर की ऊंचाई के चैन लिंक बाड़ा द्वारा कवर किया गया है, जो 1.5 मीटर और 60 डिग्री पर शीर्ष पर झुके हुए हैं। क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति आश्रय और जल निकाय है। सफारी और सेवा सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट बनाया गया है और 55,000 पौधों को सफारी के अंदर रहवास में सुधार के लिए लगाया गया है। वहाँ बाड़े के माध्यम से जाया जाएगा, जिसमें प्रवेश और निकास डबल द्वार की व्यवस्था के माध्यम से होगा और वाहन निर्दिष्ट सड़क पर कम गति पर सफारी के भीतर चलेगा। यह सफारी अर्थात टाइगर सफारी, शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी, शेर सफारी और भालू सफारी सभी आगंतुकों के लिए तैयार है। वर्तमान में टाइगर सफारी में 3 बाघ रखे गए हैं। 80 हर्बीवोर को हर्बीवोर सफारी में रखा गया है, जिसमें चीतल, सांभर, ब्लू बुल, बार्गिंग डियर और ब्लैक बक शामिल है। भालू सफारी वर्तमान में 4 भालू है। नंदनवन जंगल सफारी नया रायपुर में भ्रमण हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं नया रायपुर का जंगल सफारी का पूरा नजारा। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जंगल सफारी, देख सकते हैं कितना भीड़ है। शीतकालीन का छुट्टी चल रही है और आज 27 दिसंबर 2022 साल का आखिरी आखिरी दिन आ रही है। हम लोग देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। जंगल सफारी में सफारी का टिकट मिलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। चलिए आगे और देखेंगे कितना भीड़ लगा हुआ है टिकट काउंटर में। पूरा छुट्टी का दिन चल रहा है तो फुल माहौल है। नहीं तो टिकट नहीं मिला सफारी का, जो कई टिकट मिला था। चलो देखते हैं जो नहीं है वहाँ पर सैर करेंगे। भीड़ देख के दोस्तों भीड़ ये सब जू में जाने के लिए है सफारी।
गाड़ी का टिकट मिला नहीं है। गाइस ये तो देखो इतना भी लोग पहुंच गए जंगल सफारी और देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ सफारी है और दूसरा साइड जू। दोस्तों सफारी में क्या होगा, सफारी में बस में लोग को बिठा के ले जाया जाएगा और वहाँ पे जानवर खुले में रहेंगे, बस पैक्ड रहेगा। और जू में दोस्तों हम लोग जाएंगे, जू में पैदल चल के देखना पड़ेगा, इसमें जानवर कैब के अंदर रहेंगे। तो ऐसा है दोस्तों, चलिए सफारी जंगल सफारी का मजा लेते हैं। हम लोग जाएंगे जू में, लग रही है ठंडी कभी है लेकिन गर्मी चढ़ गई। शुरू होता है अपना जू का सफर, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे पूरा जू का नज़ारा। बने रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों चलो अपन शुरू करते हैं सफारी, जंगल सफारी में जू का लोकेशन देखेंगे अपन। एशियन लायन ऐसा पूरा यहाँ पे बना हुआ है गाइस, छांव से आप आनंद ले सकते हैं। भालू है क्या? इस किनारे में बैठा हुआ है गाइस, देख सकते हैं लोग लायन। सब के सब तोता वाले हैं, सीता सो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग इसको घुमा के इसके बारे से इसको जान सकते हैं क्या है कैसा है। तेंदुआ के पैर छोटे छोटे होते हैं, शरीर लंबा होता है तथा सिर बड़ा होता है। तेंदुआ बड़ी बिल्ली प्रजाति में आकर आकार में सबसे छोटे होते हैं। देख लिया, पढ़ लिया, इसको ऐसे घुमा के पढ़ सकते हैं, उसी को पकड़ के घुमाते हैं बस। चलो हो गया दिल्ली। सो रहे गैस यहाँ पे, देखो बाबू कैसा कर रहे, देखो इतना मजा आएगा उसको घुमाने में, उसका हैंडल भी नहीं है, काट देगा हाथ को। ये कि बदक रही है, लकड़ा बग्घा स्ट्राइपेड हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना। वो देखो उधर क्या करेंगे, खाना मिल रहा है। इनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, खतरनाक होते हैं। लकड़ा बग्घे से मिलिए, यह जंगल का सबसे क्रियाशील सफाई कर्मी है जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जंगल सफारी की सैर, ऐसे चलते सबका बैंड बज जाएगा। देखो ना
गेट के पास हो रहा है। वन भैसा मिजरी तो देखने को मिलेगा, हिरन विरन कुछ कुछ है। जिस साइड कैंटीन है देख सकते हैं आप लोग, गार्डन भी बना हुआ है, आप लोग जा सकते हैं कैंटीन रूम में, मिल सकता है खाने के लिए कुछ कुछ। और यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं, आगे झूला भी है। यही है क्या घुसने के लिए कि आगे से है इधर झूला उला है, प्रवेश गेट है उधर। हाँ वो तो है, देख सकते हैं इधर झूला उला लगा हुआ पूरा। ये 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 वाला छोटा बच्चा इधर चढ़ा हुआ है ऊपर, ये सांभर आ गया बेटा, हिरन हिरन सांभर वाला। ये देखने जाएगा कि खाली झूला झूलना जाएगा, सांभर मसाला सांभर। हाँ उसको झूलट ले जाओ झूला। सांभर है सांभर, बैठो उतर नहीं था ठीक से बैठ गए। देख सकते हैं पूरा झूला लगा हुआ है यहाँ पे, फूल झूल सकते हैं सब कोई, एंटरटेनमेंट अपन भी बैठते हैं इसमें। यहाँ पे है झूला उला झूलना हो गया, अब चलते हैं दूसरा साइड घूमने। नील का पीछे है ना, ये अच्छे हैं बाबू जी दिखाई देते हैं, बाकी सब तो बाकी हैं। यहाँ पे नील का है घूम रहे हैं, शिकारा ये तो गजब है। काकड़ से मिले यह प्राय शाकाहारी हिरण प्रजातियों के विपरीत एक सर्वभक्षी हिरण। यहाँ पे हिरण लगते हैं आप लोग ढेर सारे, यहाँ पे ये सारे चौसिंगा हैं, चौसिंगा हिरण, चौसिंगा हिरण प्रजाति के हैं।
पेंगुलिन है रे, जिस करंट मारता है बोलते हैं। इधर बटरफ्लाई है, वैरायटी है, सारे फूलों का वैरायटी है यहाँ पे। चलो भाई वापस लगभग फोटो ओ निशान सबसे बड़ा स्टेक, वो देखो उसके ऊपर पेड़ के ऊपर, इधर आओ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे